मन्नी लगी हुई है कूड़े उठाने, जो बच्चों ने यहाँ पे, ये देखो मन्नी से, मन्नी की मेहनत देखो तुम, ये देखो लड़की टेढ़ी हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैमरा टेढ़ा करके, जो डायपर के अंदर बाहर बैठा हुआ है, धूप सेक रहा सुबह सुबह। मन्नी ये क्या लिया है तूने? एयरपॉड्स मंगाया अमेज़न से, वो एडिटिंग करती हूँ ना, तुम लोग सो रहे होते हो ना। मैं बहुत ज्यादा इंडिया को मिस कर रहा हूँ। अगर गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, मैं कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे 10 गुना पैसा दे। सबके मुंह पे तमाचा पड़े। इसका कोई नाम लेता है ना प्यार से, इसको कहता है ओलू, मेरा प्यार ओलू। गाइस फाइनली शादी की रिसेप्शन खत्म हो गई है, और ये पूरा व्लॉग ज्यादातर हमने वॉइस ओवर में बनाया है, क्योंकि पूरा जो रिसेप्शन था इट वॉज अबाउट गाने, तो कोई फ़ायदा नहीं था, बट आपको फिर भी समझ आ गया हमने क्या किया। इस वक्त हम लोग बैठे हुए वेन्यू के बाहर, मम्मी पापा को ऊबर करा के वापस एयरबीएनबी भेज दिया। और मन्नी का ड्रेस देखो कैसा लग रहा है, तो पूरे इवेंट में दिखाया है ना, ड्रेस दिखा दिया ना। हाँ चलो, पर यहाँ पे क्या होता है कि शादी के बाद आपको सारा, मतलब फंक्शन के बाद आपको सारा हॉल वॉल खुद से मेटना पड़ता है, कूड़ा भी खुद ही फेंकना पड़ता है। ब्राइड एंड ग्रूम सारा कूड़ा फेंक रहे हैं फैमिली वालों के साथ मिलके, हमने भी जितनी हेल्प करा सकते थे करा दिया। मेरे बच्चे सो गए हैं तो मैं बाहर बैठी हूँ वेट कर रही हूँ, सब कुछ समेट जाए और हम लोग घर पे निकलें। और मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, दिखाऊं क्या? अली बाबा के बोले आए और क्या कर रहे हैं, तो बज गए, ज्यादा बज गए, 12 बज गए, 12 बज गए, हम वेट कर रहे हैं कि हम लोग घर के लिए निकले। Question: who among you is a bigger blabbermouth? Thank you.
गाइस इसी के साथ आज की रिसेप्शन भी खत्म होती है। और व्यू जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ विरल का, विरल आए और हमें घर छोड़े क्योंकि मुझे आ गई है बहुत ज्यादा पॉटी पॉटी का प्रेशर बना हुआ है और मैं वेट नहीं कर पा रहा। रात के बज गए 12:30, ठंड बहुत ज्यादा है बाहर और आपको दिखाता हूँ कि सिएटल दिखता कैसे है। देखो हम यहाँ पे खड़े हुए, ये देखो लंबी लंबी बिल्डिंग है चारों तरफ और मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर अब बैठा ही जाए फाइनली। और अब वेट कर रहे हैं। राहुल एक बात बताओ, सारे खाने के डब्बे तो यहाँ पीछे पड़े हैं जो खाना बचा था, एक जो बड़े बड़े कंटेनर पर खाने का हम लेके थे। मम्मी ने ये दो डोंगे चार डोंगे अलग से क्यों भरवाए हैं मुझे नहीं पता। वैसे ना मम्मी भी ना समझती नहीं है बात को, आ जाती है रात को फिर कहती है अंधेरा है। Hi guys, welcome to another vlog, welcome to Namitology। और सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, शादी हो गई है, रिसेप्शन हो गई है, वो आप देख चुके हो पुराने व्लॉग में। सुबह सुबह उठे हैं, सामान की पैकिंग शुरू है, ये तीन में से एक हो गया, एक हमने उधर कर दिया, ये देखो ये तीन के तीन बैग। और हमारा शादी का प्रोग्राम, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी सब निपट गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मन्नी कर रही है सुबह सुबह सफाइयाँ क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि आपको अपना घर का हमेशा ही साफ सुथरा रखना होता है। हफ्ते में एक बार आते हैं वो अपना कूड़ा उठाने और यहाँ मन्नी लगी हुई है कूड़े उठाने जो बच्चों ने यहाँ पे, ये देखो मन्नी से, मन्नी की मेहनत देखो तुम, ये देखो लड़की टेढ़ी हुई है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैमरा टेढ़ा करके। तो ये मन्नी हो गई परेशान, हाय हाय कुत्ते बच्चे है ना सालों ने कारपेट पे ना लेस के चूरे चूरे बना के कुरकुरे के चूरे चूरे करके रखे, इतनी मुश्किल से साफ हो रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर का नवाब ज्यादा ठीक है, ये तो है ही है, ये तो आप जानते हो जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। पर एक और है और वो है ये जो डाइपर के अंदर बाहर बैठा हुआ है, धूप सेक रहा सुबह सुबह। ओए ओए अंदर जा गंद मचा, मम्मी को तंग कर। ओए देखो मुंह से थूके निकल रही है इसके। ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, मन नहीं कर रही है झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा वैक्यूम क्लीनर, मन नहीं को पहले वैक्यूम क्लीनर चलाना नहीं आ रहा था कि चलता कैसे, तो मैंने इसको बता दिया कि यार ये ऐसे चलता है। ठीक है अब अपना काम ढंग से करना, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। नहीं ये क्या लिया है तूने? एयरपॉड्स मंगाया अमेज़न से, वो एडिटिंग करती हूँ ना, तुम लोग सो रहे होते हो साथ में तो दिक्कत होती है तुम लोगों को। ये कितने के पड़े तुझे? तुमने मंगाया बताओ कितने? 199 मतलब 200 into 16,000 यहाँ से उल्टा खोलते वैसे है तो देसी 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 ना कर यहाँ कर छोरी ने दिखाओ फोन तो दो टेस्टिंग करो। अब मैं प्लेन में बैठ के वो करूंगी क्या? हाँ भी लाइट आ रही है देखो, चार्जिंग केस बस ठीक है। तो मैं पहले चार्जिंग पे लगा दूं थोड़ी देर, वो तो ठीक है एक बार टेस्ट तो कर ले। ये देखो मोटे को, इसने ना एयरपोर्ट लगा के ना गानों पे डांस कर रहा है। अच्छा वॉल्यूम अच्छा है, फुल करूं? मिन्ना मिन्ना सुन रहा है मोटा, कुड़ी जट नु पटन दी मारी। अच्छा शो मी द ठुमका लगाऊं फिर उस पे करना तुम ठीक। और यहाँ शुरू हो गई है पैकिंग, बच्चा एक आपको दिख रहा होगा वहाँ बैठा हुआ और मन्नी मंगवा रही है कुछ खाने को। क्या मंगवा रही है? पिज्जा है, पिज्जा ही जरूरी। और ये देखो ये सारी की सारी पैकिंग है हमारी, कॉस्को वाले नहीं देते पिज्जा, घर पे डिलीवर नहीं करते, वो तो $10 का बहुत अच्छा सौदा है। शिवाय को हमने रोटी दाल दी है जो मजेदार नहीं है, उसको पसंद नहीं आई है। आखिरी दिन है, पैकिंग बहुत ज्यादा है, पैकिंग निपटा लेते हैं ताकि हम शाम को आराम से बैठें, अगले दिन सुबह फ्रेश माइंड के साथ घर वापसी जाए। मैं बहुत ज्यादा इंडिया को मिस कर रहा हूँ। अगर गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, तो मैं कभी भी नहीं, कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, चाहे आप मुझे 10 गुना पैसा दे दो ठीक है, अच्छे लोग दे दो, अच्छा एनवायरमेंट दे दो, अच्छी एडुकेशन दे दो। तो मेरा कहना ये है इंडिया इज़ बेस्ट इन एवरी पॉसिबल वे और रिश्तों की वैल्यू इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जो जो व्लॉग मेरा इंडिया से देख रहे हैं तो रिस्पेक्ट करो। जोई आ चुकी है ऊपर, अभी अभी नौमी दीदी जोई को ऊपर छोड़ के गई हैं क्योंकि जोई वो कह रही है जोई ना उदास हो गई है, जे नहीं है ना इसलिए ना जोई ना उदास हो गई है जोई। और जोई ना ओला के साथ खेल रही है, सिट। और जोई देखो
ऊपर इसलिए छोड़ के गई है वो क्योंकि बब्जी यहाँ पे गुस्सा कर रहा था, जोई ओला के साथ खेल रही थी ना, ओला चुपचाप बैठी है, ओला नहीं खेल रही थी तो इसीलिए बब्जी ना गुस्सा कर रहा था, ठीक है, और इसलिए ना ओला भी चुप हो गई है और जोई भी चुप हो गई है कि कहीं मेरे को बब्जी काट ना ले, और जोई ना बब्जी की आवाज़ से डर गई और बेचारा बब्जी बब्जी ओला ओलू मेरे प्यारे प्यारे ओलू, ये ओलू के नाम से बहुत जल्दी खुश हो जाती है। इसका नाम तो है लेडी ओली और बब्बा बब्जी सॉरी, ठीक है, पर इसका कोई नाम लेता है ना प्यार से इसको कहता है ओलू मेरा प्यारे प्यारे ओलू ओलू, देखो कैसे पूछ रहा रही है, हैं तेना मोलू है ओलू है तेना गोलगप्पा होना चाहिए तेरा नाम, कि तुम जहाँ से देख रही है, हैं तेर से बात कर रहा हूँ मैं, हाँ तेर से बात कर रहा हूँ है ना, तेरे को याद नहीं आ रही हैं मम्मी पापा की, तेरे को याद नहीं आ रही, याद आ रही है तेरे को तेरी मम्मी पापा की, याद आ रही है हैं सही बता, मम्मी पापा की याद आ रही है ओला को, ओला। और भाई साहब देखो मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ऑफिस का काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये देखो ओला का ध्यान है, बस बब्जी की ना बोल मिल जाए ओला को, बब्जी के पास बोल है, ठीक है, इसलिए ना ओला ना खेल नहीं रही है जोई के साथ, ओला बोल चाहिए तेरे को, बब्जी बोल तो देगा नहीं, वो बोल नहीं देगा तेरे को, अगर तो खुलेगी तो फिर तेरे को बोल मिलेगी, बब्जी बोल दे देगा और वो भी वो देगा नहीं, तेरे को छीननी पड़ेगी, ठीक है, पर मैं तेरे को खोलूँगा नहीं क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप है कीबोर्ड वगैरह है और वगैरह वगैरह वायर्स वगैरह हैं इधर, तो ना ओला ना उनको ना छेड़छाड़ करती है, जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो में ओला ने इंटरनेट की तार तोड़ दी थी, पर वो ठीक हो गई है ना ओला, ओला इधर 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 इस बब्जी के इंप्रेशन देखो मुके, और अब ओला के इंप्रेशन, अब जोई के इंप्रेशन देखो, ओए नो सरका कहें टेबल कहाँ पे ले आई है ओला, अब देखो नो सिट ये देखो, जोई जोई देखो नो